सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार जैसी समस्याएं परेशान करती हैं। विशेषकर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में सर्दी के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ने से यह समस्या ज्यादा हो रही है, जिसका सीधा असर फेफड़ों पर पड़ रहा है। फेफड़ों को किसी तरह का नुकसान न हो, इसके लिए उन्हें वक्त रहते डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। बाजार में आज कई सारी ऐसे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो फेफड़ों को डिटॉक्स करने का दावा करते हैं, लेकिन इसे नेचुरल तरीके से किया जाए तो यह ज़्यादा बेहतर रहता है। इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं फेफड़ों को डिटॉक्स करने के कुछ नेचुरल तरीके। अदरक नींबू की चाय। भारतीय घरों में सर्दियों के मौसम में अदरक का इस्तेमाल बहुत होता है। अदरक शरीर को डिटॉक्स करने का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। फेफड़ों को डिटॉक्स करने के लिए अदरक और नींबू की चाय बेस्ट मानी जाती है। अदरक में विटामिन, मैंगनीज, कॉपर पाया जाता है। वहीं नींबू में विटामिन पाया जाता है जो फेफड़ों को पूरी तरह से डिटॉक्स कर पाता है। ग्रीन टी। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ग्रीन टी का इस्तेमाल सिर्फ वज़न को कम करने के लिए किया जाता है। ग्रीन टी जितना वज़न को कम करने में फ़ायदेमंद है, उतना ही शरीर को क्लीन करने में भी। ग्रीन टी में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर से बेकार तत्वों को बाहर निकालने में सहायक साबित होते हैं। हल्दी। भारतीय घरों में हल्दी का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। हल्दी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। सर्दी, खांसी और शरीर में गर्माहट के लिए हल्दी का इस्तेमाल करना अच्छा माना जाता है। फेफड़ों को क्लीन करने के लिए हल्दी अदरक की ड्रिंक बना सकते हैं। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बचा सकते हैं। ऐसी मज़ेदार खबरों के लिए आज ही PTN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और पाएं अनोखी खबरें अपने इनबॉक्स में।